this side of the room because we've got someone really special. He's come with someone extremely beautiful, so I'm going to hope that he comes and does a fabulous round of poetry because beautiful girls with him. Prerak, welcome back onto the poetry on the big mic. Yeah. Big hand! मैं पाकिस्तान के लिए घृणा के बीज अपने जहन में लेके पैदा हुआ था। मैं पाकिस्तान के लिए घृणा के बीज अपने जहन में लेके पैदा हुआ था। सबने यही सिखाया था कि पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है। पर मुझे मेहंदी हसन और गुलाम अली याद आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन में एक बार जरूर मिलकर मेरी तन्हाई को बांटा था। ये मेरे दुश्मन नहीं हो सकते और मैं रुक जाता। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी, इसलिए मैं मुसलमानों से लड़ना चाहता हूं। पर फिर मुझे मेरे कुछ दोस्तों के साथ मोहम्मद रफी और तलत महमूद याद आते हैं, और मैं खुद से कहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को कितना हसीन बनाया। ये लोग बुरे नहीं हो सकते और मैं रुक जाता हूं। मैं इंग्लिस्तान से नफरत करना चाहता हूं। आखिर 200 साल तक हम उनके गुलाम रहे, पर तभी मुझे शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ याद आते हैं और मैं सोचता हूं कि कैसे कोई नफरत कर सकता है इनसे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया था कि शब्दों से चित्र कैसे बनाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया था कि दुनिया इतनी खूबसूरत क्यों है। मैं रुक जाता हूं। ये भाषा की बंदिश है, ये नदियों पर विवाद, ये छोटी छोटी कुछ बातों पर मारकाट। तुम्हारी राजनीति, तुम्हारे राजनेता, तुम्हारी सरहदें, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी सोच जहां रोकते हैं मुझे, वहीं मेरा फन, मेरा ईमान, मेरा शौक, मेरा जुनून मुझे खुला छोड़ देता है। ये भाषा की बंदिश है, ये नदियों पे विवाद, ये छोटी छोटी कुछ बातों पे मारकाट। तुम्हारी राजनीति, तुम्हारे राजनेता, तुम्हारी सरहदें, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी सोच जहां रोकते हैं मुझे, वहीं मेरा ईमान, मेरा फन, मेरा शौक, मेरा जुनून मुझे खुला छोड़ देते हैं। कहते हैं जाओ, गले लगाओ सबको, ये कुछ काले बादलों के सिवा आसमां अब भी नीला और चमकीला है। कहते हैं जाओ, ये दुनिया तुम्हारी है। कहते हैं जाओ, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम जैसे कुछ लोगों की है। जाओ के कुछ कलाकार, कुछ दोस्त, कुछ फनकार की वजह से अमन आज भी कायम है दुनिया में। जाओ के हिंदू मुसलमान सरहद इतिहास जिहाद के परे इस दुनिया में इंसान ही बसते हैं। जाओ।